हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष शर्मा फ्रॉम फैमिली डेंटल क्लिनिक गुवाहाटी। कभी एनेस्थीसिया लिया पहले आपने? नहीं लिया। कभी नहीं लिया। अच्छा, आपका प्रॉब्लम क्या है? एक्स्ट्रा लॉट निकला सर। अच्छा, वो निकालना चाहते हैं? वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता सर। ठीक है, अभी करते हैं। एक बार तो सब ठीक है, तुम प्रॉब्लम ना है। ठीक है सर। सतीश तो कुछ ही ना करोगे? एक्सरे तो सर एक्से आगोते से ऐसे सतीश पुत्र जी से एक्से को पता कितना टाइम लगेगा, क्या होगा? हम लोग को अभी जाना है, हम लोग को सब कुछ भी करना होगा। अभी फटाफट हो जाएगा तो करेंगे। कोई दिक्कत स्टडी कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अभी निकाल देंगे। ठीक है, आपके एक्सरे रहेगा। फिर आना होगा। देखिए, निकालने के बाद में अगर गड्ढा बहुत बड़ा होगा ना तो हम स्टिच देगा, तो वहां पे आप कटवा लीजिएगा। ठीक है, और अगर गड्ढा बड़ा नहीं होगा तो ऐसे छोड़ देगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का सामान रेडी करो। दांत दे देगा तुम एक, तो नेकलेस बना लेना। पेन ही लेना, पेन। अभी स्किन टेस्ट हो गया। अभी हम लोगों ने स्किन टेस्ट करा है। बेसिकली स्किन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम चेक करते हैं कि पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, जिससे हम लोग सुन करते हैं, उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। वो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी में स्किन में देते हैं और चेक करते हैं, वेट करते हैं। वेट करने के बाद पेशेंट से पूछते हैं कि उनको कोई रैशेस तो नहीं हो रहा है, कोई बड़ा सर्कल जो पेन से सर्कल किया है बड़ा तो नहीं हो गया। सो दिस शोज दैट द पेशेंट इज एलर्जी टू एनेस्थीसिया और नॉट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ स्किन टेस्ट whenever you visit a dentist, or and to give your previous dental history also. If you have taken anesthesia before, no problem, you can go ahead with the procedure because you are not allergic to anesthesia. But if you are taking anesthesia for the first time, then you have to go for a skin test. आपको यहाँ पे कुछ itching हो रहा है या यहाँ पे खुजली हो रहा है कुछ? यहाँ पे खुजली तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ अलग सा feeling, कुछ अलग सा feeling आ रहा है। ऐसे थोड़ा heavy heavy लग रहा है इधर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम एनेस्थीसिया देंगे आपको। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल पेन नहीं होने वाला आपको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो लेफ्ट हैंड ऊपर करिएगा, हम रुक जाएंगे। ठीक है, ओपन योर माउथ, आ करिए। Many times we used insulin needles for giving slight infiltration. थोड़ा सा anesthesia देते हैं skin के ऊपर या किसी भी tissue के ऊपर, तो insulin needle से देने से वो ज़्यादा deep भी नहीं जाता है। In the meantime, the needle is very thin, तो उससे pain बहुत कम होता है। और उसके बाद हमें requirement होती है proper anesthesia देने की, जिसे कहते हैं कि हम लोग block कहते हैं या infiltration कहते हैं, ताकि उस area पूरा area numb हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जब फर्स्ट इंसुलिन नीडल से दे करके फिर हम लोग उससे देते हैं, तो उससे क्या है एनेस्थीसिया का इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है और पेशेंट को पेन भी नहीं होता। नाउ वी आर गोइंग टू गिव द प्रॉपर एनेस्थीसिया। ओपन योर माउथ, बड़ा मुंह खोलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो लेफ्ट हैंड ऊपर करिएगा, दर्द हो तो बताइएगा। पेन हुआ आपको? नहीं। रिंस कर लीजिए आप। आपको यहां
ना हैवी भी लग रहा है आपको। हाँ। तो बेसिकली इनका एक एक्स्ट्रा टीथ है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। आइए मैं दिखाता हूँ एक्स्ट्रा टीथ कैसा लगता दिखने में। उनको भी ये यहाँ पे एक्स्ट्रा टीथ है जो दो दांतों के बीच में है यहाँ पे। ये हिल नहीं रहा है और थोड़ा फर्म है। एक्सरे हम लोगों ने एक एक्सरे लिया है जिससे पता चल रहा है कि कितना डीप है ये। इस एक्सरे से हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। हालांकि रूट बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि पेशेंट को बिल्कुल पेन होने वाला है। अब जब हम लोगों ने एनेस्थीसिया दे दिया, आपको यहाँ वायरिंग लग रहा है, कोर्ट पे भारी लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका प्रोसीजर रिमूव करने का, धीरे धीरे करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पेन हो, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, आप लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो पेन हो रहा है आपको? कोई पेन सबसे नीचे बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं प्रोसेस को। कोई भी तकलीफ हो लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। मुंह बड़ा खोलिए, आप मुंह खोलिए। बैठ करिए, हो जाएगा। मुंह बंद कर लीजिए आप, उसको दबा के रखिए। दर्द हुआ आपको? नहीं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग एक गॉस पीस से इसे प्रेशर देते हैं और पेशेंट को हम लोग 10 मिनट वेट कराते हैं। एंड आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज डन वी मेक श्योर दैट द पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी ब्लीडिंग। देयर इज नो कंटीन्यूअस ब्लीडिंग, स्लाइट ब्लीडिंग विल ऑलवेज बी देयर बट देयर इज नो कंटीन्यूअस ब्लीडिंग। सो वी कीप दिस गॉस पीस, मेक द पेशेंट सिट फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी चेक द बाय रिमूविंग द गॉस पीस एंड देन अगेन वी पुट अ गॉस पीस एंड देन द पेशेंट टू बाइट द गॉस पीस। जो गॉस पीस होता है जो कॉटन टाइप का होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेशेंट को बाइट करके रखने के लिए। वो आधे घंटे के लिए बाइट करके रखना है, उसके बाद एक आइसक्रीम खा ले। 24 आवर्स पेशेंट को कोल्ड डाइट खाना है, कुछ भी गर्म, कुछ भी स्पाइसी और कुछ भी हार्ड नहीं खाना है। आप कभी 24 घंटे तक कुछ भी गर्म चीज़ नहीं खाओगे, कुछ भी स्पाइसी नहीं खाओगे और कुछ भी हार्ड नहीं खाओगे, ठीक है। जैसे आप चावल दाल खिचड़ी दलिया ये सब खा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। आपको ठंडा भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में आप उसको खा सकते हैं। और 24 आवर्स बाद अपने आप नॉर्मल डाइट पे जा सकते हो। वार्म वाटर सॉल्ट गार्गल जो होता है वो करना चाहिए आफ्टर 24 आवर्स। सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस, इट्स डन। सो अब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ मेडिसिन, बेसिक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और एंटा एसिड्स इफ रिक्वायर्ड। सो दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम लोगों ने एक ओपीजी भी कराया था ये चेक करने के लिए कि इसका रूट कितना लेंथ है। इसको ओपीजी एक्सरे बोलते हैं, इससे एक बेटर पिक्चर मिलता है हमें टीथ के एवोल्यूशन के बारे में। इसे ओपीजी एक्सरे, इस ओपीजी एक्सरे में सारे दांतों का फोटो एक साथ आ जाता है। इनफैक्ट जो दांत हड्डी के अंदर फंसे हुए हैं उनका भी फोटो आ जाता है। इनका एक्स्ट्रा टीथ था तो हमें ये जानना था कि इसका पोजीशनिंग कहाँ पे है, तो इसलिए हम लोगों ने ओपीजी एक्सरे कराया। इन द मीन टाइम हमारे क्लिनिक में छोटा एक्सरे भी अवेलेबल है जिससे हम लोगों ने एक्सरे लिया था। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दिया, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, पेशेंट इज फ्री टू गो।